नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने 2014 में देश को आजादी मिलने के बयान पर अब लालू की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने तीखा हमला किया है। रोहिणी ने बिना कंगना पर नाम लिए हुए दनादन कई ट्वीट कर उन पर गुस्सा जाहिर कर दिया है। उन्होंने लिखा कि शहीदों की जान जिसे भीख लगती है, फर्जी झांसी की रानी तू देशद्रोही लगती है। और दरअसल पद्मी में से ही सम्मानित होने के दो दिन बाद कंगना ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें एक्ट्रेस ने 1947 में देश को मिली आजादी को भीख बताया था। उन्होंने कहा था कि देश को आजादी 2014 में मिली है। कंगना के इस बयान पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी निशाना साधा है। वरुण ने कहा कि इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोही। वहीं झांसी ने भी, आपको बता दें कि मांझी ने भी कंगना के पद्मश्री को लेकर वापस किए जाने की भी मांग कर डाली। बिहार में अब तक हुए 5 चरण के पंचायत चुनाव के रिजल्ट के 77% सीटों पर नए मुखिया प्रत्याशियों पर जनता ने भरोसा जताया है, जबकि जिला परिषद की 83% सीट पर नए प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। राज्य भर में अब से लेकर 3,204 पंचायतों का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से 2,469 पंचायतों में नए मुखिया प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है और महज 725 पुराने मुखिया अपनी सीट बचाने के लिए कामयाब रहे हैं। जिला परिषद की 466 सीटों का ही रिजल्ट घोषित हुआ है। आपको बता दें कि इसको लेकर भी छठे चरण का चुनाव 3 नवंबर को हुआ, जिसका रिजल्ट 13 और 14 नवंबर को आएगा। और शेखापुर जिला में भी मुखिया और जिला परिषद की सीट पर अब तक जो सभी नए प्रत्याशियों को जीत मिल चुकी है। किसी भी सीट पर पुराने प्रत्याशी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। शेखपुरा में भी 8 पंचायत और 1 जिला परिषद की सीट पर अब तक चुनाव हो चुका है। जहानाबाद में भी 85% पंचायतों पर नए चेहरे काबिज हुए हैं और यहां पर भी अब तक 49 पंचायतों में चुनाव हुआ, जिसमें से 56 पंचायतों पर नए प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर एकमात्र 3 पुराने मुखिया अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। यहाँ जिला परिषद की 9 सीटों में से 7 पर नए चेहरे ने जीत दर्ज की है। खगड़िया सदर अस्पताल में डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ अपनी मर्जी से आते जाते हैं। यहाँ ना तो मरीजों की ठीक तरीके से देखभाल होती है, ना ही उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। अस्पताल में फर्श पर लोग सोने के लिए बेवश दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि और गंदगी और सुअर के अस्पताल आने जाने वाले पर के लिए भी परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। शुक्रवार को जब जानकारी ये भी सामने आई कि अस्पताल पहुंचा जाएगा, तो फिर वहां पर देखा कि वहां पर काफ़ी ज़्यादा लापरवाही जो थी वो सामने आई थी। और अलोली से भी अपनी मां को सदर अस्पताल दिखाने के लिए मंगलू सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर अपनी मां के लिए साथ दिखाई दिए थे। और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे अपनी मां को दिखाने के लिए आए हैं, लेकिन ओपीडी बंद है। ऐसे में प्राइवेट क्लिनिक जाने की सेवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। सदर अस्पताल परिसर के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा सुअरों के आतंक फैला हुआ है। वहीं अस्पताल के ओपीडी कक्ष के बाहर ही गंदे पानी में कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं और लोग इन लापरवाही से खासे परेशान भी नजर आ रहे हैं। अपने रिलेटिव के प्रसव के लिए भी आने वाले मानसी चक हुसैनी के कारे यादव ने भी ये भी जानकारी बताई कि वे कल देर शाम अस्पताल पहुंचे और यहां इलाज के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में गंदगी इतनी है कि वे लोग रात भर बाहर खुले में सोने के लिए बेवश दिखाई दिए। बता दें कि 2 दिन पहले ही सदर अस्पताल में 2 दिन पहले ही योगदान दिया गया और बावजूद इसके अस्पताल के डॉक्टर और कर्मियों के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं पे सीएस अमरनाथ झा से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये लापरवाही है, वे इसके लिए संबंधितों से बात भी करेंगे।